डार्लिंग काहे इतना टेंशन में बाड़ू, का भाई इतना परेशान काहे बाड़ू? और का करें, हमनी और इस जायदाद के बीच विक्रम और सरोज कांटा बन के बिछल बाड़े। इनकरा कौनो तरह खत्म करके अपन रास्ता साफ कर चाहतानी, पर पता ना ई कौन सड़क के भिखारन के घर में लाके रख देले बाड़े। सोचले रहनी जल्दी चल जाए, पर ई लोग तो ओकरे गोद लेके ई घर के बेटी बनावल चाहत बाड़े। ऐसन भइल तो का कहल जाए? ई विक्रम और सरोज के ऐसे ही छूट दिहल जाए तो हमनी के मकसद कबो पुराना होखी। उनकरा ठिकाने लगावही के पड़ी ना तो ई घर में रहल मुश्किल हो जाए। एकरा खातर हमनी का कर सकेले? सब कुछ का हम ही करब, राउर दिमाग नहीं खे का? तनी जोर डाली। अरे सोचे खातर का बा डाले? वैसे भी सांप वाला से बात कहले बानी नो, एक बार सांप आ जाए फिर सब सही हो जाए। मतलब का कहल चाहता? नहीं कहत रहेलू ना हमार दिमाग नहीं खे, अब दिमाग पर जो लगावे के बारी तोहार बा। जंगल के सांप के लाके यदि सरोज के ओकरा से कटवा दिया जाए तो सरोज मर जाए। सरोज के मरला के बाद अमृता के कैसे गोद ली हैं वो लोग? अरे हाँ, हम तो ये सोचनी ही ना। यही से कहत रहनी कि काहे टेंशन ले रहल बाड़ू? ज्यादा टेंशन लेला से दिमाग खराब हो जाला और फिर हमनी कौनो प्लान ना कर पाइब। हमनी के जौन भी करे के बा कूल दिमाग से सोच के करे के चाहिए। ठीक बा, कूल कूल। रउआ सपेरा से फोन करके पूछी कि जंगल के सांप मिलल कि ना। मिल गई तो आज लावे खातिर कह दी। ओके मैडम जी, अभी फोन लगा बतानी ओके। बस रउआ कूल रही। अभी गोद लेवे के कौन जल्दी बा? और अगर गोद ही लेवे के बाद इतना बड़ लड़की काहे एगो छोट बच्ची के भी तक गोद ले सकेला? गोद लेवे के बारे में हमनी के पहले ना सोचले रहनी माँ, वो बात अचानक से आ गई बस। और जब से अमृता घरे आइल बिया, सरोज के ओकर तरफ एगो अलगे लगाव बा, एक तरह के प्रेम बा, जैसे वो ओकर कोख से ही जन्मल बिया। यही से जब बच्चा गोद लेवे के बात उठल त सरोज अमृता के ही गोद लेवे के इच्छा जाहिर कैलस। आपन संतान न होकला के दुख में सरोज हर रोज परेशान रहेले और हमार भी इच्छा बा कि हमनी के आपन बच्चा होखे।